हरिओम नमस्ते। जिनका रिजल्ट है, मार्क नोटिस है, जो 2020 और 2021 का नहीं दिख रहा है, उसके लिए ये वीडियो बनाया गया है। फर्स्ट ऑफ यूज़र रजिस्ट्रेशन में जाना है। जो आईडी और पिन आपका ओल्ड ई पी ऑनलाइन आईडी और ई पी ऑनलाइन पिन जो स्टार्टिंग में दिया हुआ था वो आपको डालना है। यहाँ पे वो नंबर ही रहेगा, जैसे कि 01057201700506, ऐसे उसका ई ऑनलाइन पिन है 4830 7CF0। ऐसे सबमिट करना है फर्स्ट ऑफ। और यहाँ पे यूज़र टाइप में सिलेक्ट करना है पेरेंट्स। सबमिट करके जो पूरा फॉर्म है वो फिलअप करना है। फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर एंड सिक्योरिटी क्वेश्चन, सिक्योरिटी आंसर, सीजन, एड्रेस, कंट्री, स्टेट, नंबर, लॉगिन नेम और पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड और एंटर कैप्चा। जो लॉगिन नेम पासवर्ड है ये आपको नया बनाना है। जैसे कि आपका ओल्ड पासवर्ड था वो चेंज करना है। और पासवर्ड में न्यूमरिक कैरेक्टर आने चाहिए, जैसे कि एट द रेट, स्टार्स, एंड, डॉलर। बाद में आप सबमिट करोगे फॉर्म, जैसे कि मेरा ऑलरेडी फॉर्म सबमिट किया हुआ है। ये फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको यूज़र रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली दिखाएगा। जैसे कि सक्सेसफुली आने के बाद आप यूज़र आईडी और पासवर्ड में जो अभी नया बनाया हुआ है ये आप डालोगे। जैसे कि मेरा डाला हुआ, मैं आपको बताता हूँ। साइन इन करना है सिलेक्ट वार्ड में। जैसे कि आप माय प्रोफाइल में जाओगे, माय प्रोफाइल में आपको लास्ट में फिर आईडी और पिन दिखेगा। इसमें आईडी और पिन जो आपको मैसेज आया रहेगा न्यू, फर्स्ट ऑफ अभी का जो आपको टेक्स्ट मैसेज आया रहेगा वो, या सर से आपने लिया रहेगा वो, यहाँ पे सेव करोगे। सेव करने के बाद माय प्रो नोटिस बोर्ड में पेमेंट डिटेल्स, अटेंडेंस, इसमें आपको जो मार्क्स कार्ड है इसमें जाओगे तो आपको मार्क्स कार्ड 2020-21 का दिखेगा।